इस वक्त मैं हूँ आईसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में, और कैसा दिखता है आईसीसी का हेडक्वार्टर्स आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ उस ट्रॉफी की तरफ जो हम सबको याद रहेगा, ये है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ, वही चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत के हाथ आते आते रह गया, क्योंकि जब भारत हारा था पाकिस्तान से। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो ये है मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो 2011 में वर्ल्ड कप में मिला था। हर वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द मैच ऐसे ही मिलता है। और उसके ठीक नीचे यहाँ आप देख सकते हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ये वाला ट्रॉफी रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये शानदार ट्रॉफी जो आपको दिख रहा है, ये वो ट्रॉफी है जो भारत को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये है आईसीसी का वर्ल्ड कप का क्वालिफायर ट्रॉफी। क्योंकि भारत पहले से ही हर वर्ल्ड कप में फुल मेंबर नेशन है, तो इसलिए उसको ये ट्रॉफी पर उसका कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफायर्स को मिलता है। उसके अलावा एसोसिएट नेशंस की ट्रॉफीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं, आईसीसी मुमताज़ अवार्ड के यहाँ पर ये प्लेक्स हैं 2008 वाले। और इसके अलावा अगर आपको दिखाएं जल्दी से, सबसे एक और अहम चीज़ इस पूरे आईसीसी एकेडमी आईसीसी हेडक्वार्टर्स के बारे में ये कि आप ये देख सकते हैं, ये है गैरी सॉबर्स रूम। जी हाँ, उन्होंने हर मीटिंग रूम यहाँ पर एक क्रिकेटर पर रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं, अगर आप इस मीटिंग रूम के अंदर आप जल्दी से अगर आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैरी सॉबर्स के ऊपर सब कुछ यहाँ पर है। गैरी सॉबर्स का पूरी बायोग्राफी उनके पास है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वो क्रिकेट के सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं, इसीलिए ये मीटिंग रूम गैरी सॉबर्स का। इसके अलावा कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम पर मीटिंग रूम्स रखा गया है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ये ट्रॉफीज मालूम है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर एक एक कंट्रीज़ के सभी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ किए हुए बैट्स यहाँ पर है। इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, यूएई, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, और ऊपर देखिए आप न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। और इस तरफ आप ज़रूर देख सकते हैं, ये बहुत खास वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि बैट किस तरीके से पहले से लेकर अब तक आया है उसका एक छोटा सा नज़ारा यहाँ पर दिखाया गया है आपको, कि कैसे धीरे धीरे क्रिकेट बैट जो बन चुका है। और जैक हॉप्स के बैट के बाद तो अब अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के बैट देखें तो उसमें भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिखेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के और सारे अवार्ड्स यहाँ पर हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बैट्स जो टीमों ने यहाँ पर हस्ताक्षर कर रखे हैं 2016 में जब वर्ल्ड T20 भारत में हुआ था, तब वहाँ के यहाँ पर आप बैट्स देख सकते हैं जो ऑटोग्राफ किए हुए हैं। और ये जो दो कैप्स हैं, ये हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 टीम ऑफ द ईयर के कैप्स, और वैसे ही ये वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कैप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, और भी कई सारे कैप्स हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैप्स, और अगर वो कैप्स हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है टीम इंडिया का कैप, बैगी ब्लू अगर आप कह सकते हैं इसको, तो ये टीम इंडिया का कैप यहाँ पर। उसके साथ में यहाँ पर जिम्बाब्वे के बाद बांग्लादेश के बाद ये हॉल ऑफ फेम का कैप है, यानी कि ये उन्हीं को मिलता है जिनको आइकॉन्स माना जाता है इस पूरे गेम में। इंग्लैंड का कैप इंग्लैंड के बगल में आपके पास है आयरलैंड, और उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस बैगी ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कैप है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मेमोरेबिया यहाँ पर रखा गया है आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में। एक छोटा सा गाइडेड टूर आप सबके लिए सिर्फ wahcricket.com के लिए। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ जीएस विवेक, आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।